हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। पूरे प्रदेश के स्कूलों में परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए आचार्य की वैकेंसी है, जिसमें DLED, BTC, BEd वाले, BSTC वाले कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें PRT की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। 21 से लेकर 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं PRT के लिए, ग्रेजुएशन के साथ में DLED वाले, और TGT के लिए BEd वाले कैंडिडेट ग्रेजुएशन के साथ में, PGT के लिए मास्टर डिग्री के साथ में BEd आपका होना ज़रूरी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसमें ज़रूर आप अप्लाई करें। लास्ट ईयर भी वैकेंसी आई थी, आप लोगों को बताई थी, और इस बार जो है वैकेंसी सितंबर माह में निकाली गई है। चलिए देख लेते हैं कैसे आवेदन करना है। ऑनलाइन ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। सबसे पहले देखें, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्य की आवश्यकता, PRT संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, TGT में संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, संगणक और शारीरिक शिक्षा की, PGT में अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लेखा शास्त्र, व्यवसायिक शिक्षा और संगणक की वैकेंसी है। इसके अलावा संगीत आचार्य तथा कार्यालय प्रमुख की भी वैकेंसी है। आवेदक की आयु 30 सितंबर 2024 को 45 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। यानी न्यूनतम आयु जो है इसमें 21 है और अधिकतम आयु जो है 45 ईयर है। अब कैसे जो है अप्लाई करना है, लास्ट डेट आप देख लें यहाँ पर देखें, सफल अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार यानी जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। दिनांक 17 सितंबर 2024 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक आवेदन प्रपत्र आप भर सकते हैं। वैकेंसी जो जारी की गई है विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा समिति की तरफ से है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस ऊपर दिया हुआ है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं यानी लास्ट ईयर अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो बस लॉगिन करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। PRT, TGT, PGT, ऑफिस, म्यूजिक, ठीक है, ये सभी पोस्ट आपकी आ चुकी हैं। अभी जो है हम देख लेते हैं, जैसे PRT के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप PRT पर क्लिक कर लें, प्रोसीड कर लें, और फिर ये देखिए PRT में संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट में वैकेंसी है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल होगा और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 12th के साथ में नहीं, ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग की है, डिप्लोमा डिग्री आपका प्राइमरी लेवल का है, DLED किया है, या इसके हायर आपकी क्वालिफिकेशन है, सभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपने BTC किया है, BSTC किया है, DLED किया है, DED किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बस अप्लाई के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अभी हम इसको देख लेंगे, पहले TGT की भी देख लेते हैं। तो अब चलिए TGT पर जो है क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें ये देखिए TGT के लिए संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ में BEd होना ज़रूरी है। CTET या TET तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिखा है, फिलहाल जो है ग्रेजुएशन के साथ में BEd। इंग्लिश की वैकेंसी, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए BCA या इसके इक्विवेलेंट कोई ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन के लिए VPED या इसके इक्विवेलेंट कोई ट्रेनिंग, ठीक है, बाकी सभी में BEd। अब देख लेते हैं PGT के लिए। PGT में देखें आप, प्रोसीड कर लेते हैं, थोड़ा सा कई बार जो है ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखते रहें। PGT के लिए सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, इंग्लिश है, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लेखा शास्त्र, व्यवसायिक शिक्षा, संगणक, ठीक है। जब ओपन हो जाए तब आप उस पर जो है
अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा समिति, और इसमें किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है क्या रहेगा, तो अभी यहाँ पर देख लें, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी 19 अक्टूबर 2024 के दिन शनिवार को झारखंड के अंतर्गत निर्धारित केंद्रों पर, और ये आपको पता लग जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोगों को बार बार चेक करते रहना है अगर आप अप्लाई करेंगे तो। तो 19 अक्टूबर 2024 को आपकी लिखित परीक्षा होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक संगीत वादन में स्नातक के साथ प्रभाकर या समकक्ष कार्यालय प्रमुख के लिए वाणिज्यिक स्नातक के साथ टैली तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान जो है अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर जिनका म्यूज़िक सब्जेक्ट है तो उनको ग्रेजुएशन के साथ में जो म्यूज़िक में आपके कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी जो है म्यूज़िक में आपके डिप्लोमा डिग्री है, कार्यालय प्रमुख के लिए यानी ऑफिस के लिए कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साथ में टैली तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान जो है ज़रूरी है, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है, तो आप लोगों को यहाँ पर वरीयता मिलेगी। सैलरी की यदि हम बात करते हैं तो सैलरी जो है लास्ट ईयर 25,000 से लेकर 81,100 तक अलग अलग पोस्ट वाइज रखी गई थी। अभी इन्होंने इसमें सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा तो शायद उसमें जो है ये सैलरी मेंशन कर दें। ठीक है, लास्ट ईयर की जो सैलरी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, अगर जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।